मोहर्रम मनाना है तो नियम के अनुसार मनाओ, वरना चुपचाप अपने घर में जाकर बैठ जाओ। पहले मोहर्रम के समय सड़कें सुनी हो जाती थी, आज मोहर्रम हो रहा हो और पता भी नहीं चल रहा। ताजा जुलूस निकलने के नाम पर घर तोड़ दिए जाते थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज किसी की हिम्मत नहीं कि ऐसी हिमाकत करके दिखा दे। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिलना होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। और विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया है। हमारी तमाम माहिती थी, अपडेट रहवा माटे जोड़ायेला रहो S9 न्यूज़ साथे।